हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ थ्री टाइम में। हमने इंडियन पिनल कोड की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका ये आज लेक्चर नंबर थ्री है। हमने लेक्चर नंबर टू के अंदर सेक्शन सिक्स टू सेक्शन ट्वेल्व तक आपसे डिस्कस किया था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको रिवाइज किया होगा। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 से। सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन 18 कहता है जी, इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये हमने एक बात और कहाँ पढ़ी थी, दिस एक्ट शेल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन वन के अंदर। तो अब सेक्शन वन में क्या लिखा हुआ था कि आईपीसी पूरे इंडिया में लागू होगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर के, ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, जज। अब इस जज के अंदर हम क्या समझते हैं, एक नॉर्मल आदमी क्या समझता है जज से, वो आदमी जो ऊपर बैठा हुआ ऑर्डर देता है, या जो उन सबको हियरिंग समझता है, या जो उनकी हियरिंग को सुनता है, या उनको सुनने के बाद जो उसका फैसला सुनाता है, यही सब समझते हैं। तो बस इस डेफिनेशन में कुछ यही लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। जज वो हर एक, केवल वही आदमी नहीं होंगे जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जज के तौर पर है, बल्कि वो आदमी भी होंगे, बट ऑल्सो एवरी पर्सन जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड होंगे किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को करने के लिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। अगर आप लोग आज तक ये सोच रहे हो कि भैया जो खाली ऑफिशियली डेजिग्नेटेड आदमी है वही जज होता है, तो आप गलत समझ रहे थे। आज से आप ये भी समझ लेना कि जो आदमी लॉ द्वारा एम्पावर्ड हो किस लिए, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को सुनने के लिए, चाहे वो सिविल की हो चाहे वो क्रिमिनल की हो। अब इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे, जो कि है अ डेफिनेटिव जजमेंट। अब डेफिनेटिव जजमेंट वो जजमेंट होती है जिसके अगेंस्ट में कोई अभी तक अपील नहीं आई हो, मतलब ऐसी जजमेंट जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं आई हो, तो उसे हम बोलेंगे डेफिनेटिव जजमेंट। अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इज नॉट अपील्ड अगेंस्ट, मैंने क्या बोला था, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील ना आई हो, वुड बी डेफिनेटिव। और अ जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। और हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर बस हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जज वो आदमी, सिर्फ वो आदमी नहीं होगा जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो एज अ जज, जज में वो आदमी भी आएंगे जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ है, इसलिए किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को सुनने के लिए, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को करने के लिए, चाहे वो कौन सी होंगी, सिविल भी हो सकती हैं और क्रिमिनल भी हो सकती हैं। और इसके अंदर हमने एक तीसरी टर्म्स क्या पढ़ी, डेफिनेटिव जजमेंट पढ़ी थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जिसके अगेंस्ट में कोई अपील ना की जाए। अब मेरे ख्याल से आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस। आपने ये देखा होगा कि मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ, मेरा मेन पर्पज ये होता है कि जब आपकी ये इलस्ट्रेशन पक्की हो जाएंगे तो आपके सेक्शन अपने आप पक्के हो जाएंगे। और कभी आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो इलस्ट्रेशन पूछी गई है वो एज इट इज आ जाती है। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि जो आपकी इलस्ट्रेशंस हैं और जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो आपको उस टाइम तक याद रहे, और उस टाइम तो क्या, लाइफ टाइम याद रहे। आपको ये सब आता होगा तो आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो सेक्शन 19 की पहली इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन ए। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। आप कलेक्टर, आप सब जानते होंगे, कोई भी आईएएस ऑफिसर।
जो कि अपनी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो किसी भी सूट के अंदर, वो एक जज माना जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदर अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग अ जुरिडिक्शन इन अ सूट इज अ जज और नॉट, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल होगा, वो जज माना जाएगा, समझे। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। मतलब कोई भी ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब जो कि क्या करें, चार्ज करें, सेंटेंस करें, जिनके पास पावर हो सेंटेंस करने की, फाइन की, इम्प्रिजनमेंट की, चाहे वो अपील के साथ हो चाहे वो अपील के बिना हो, तो वो भी कौन माने जाएंगे, जज माने जाएंगे। लेकिन इसको तो हमने मान लिया कि मजिस्ट्रेट साहब जज माने जाएंगे कब, जब वो सेंटेंस की पावर हो, पेनल्टी की पावर हो और भी सब कुछ हो। लेकिन इसकी ही इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रही है, डी क्या कह रही है, उसको भी देखते हैं। इलस्ट्रेशन डी कह रही है अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली, इसको जरा ध्यान से सुनना, पावर ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अगर सपोज कर लीजिए कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू कमिट ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल इज अ जज और नॉट, तो हम बोलेंगे सर ही इज नॉट अ जज, बिकॉज उसके पास सिर्फ एक ही पावर है, ट्रायल की ही पावर है। लेकिन अगर वो जज होगा तो उसके पास इम्प्रिजनमेंट की पावर भी होगी, उसके पास फाइन की पावर भी होगी, उसके पास अपील की पावर भी होगी, उसके पास सेंटेंस की पावर भी होगी। लेकिन अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है जो कि सिर्फ ट्रायल टू अनदर कोर्ट कर रहा हो, तो वो उस केस में जज नहीं माना जाएगा। अब आई थिंक आपको ये इलस्ट्रेशन बी और डी में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब इलस्ट्रेशन हम सी भी देखते हैं। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई द डिटरमाइंड सूट इज आल्सो अ जज। अब क्वेश्चन आ जाए कि भैया मेंबर ऑफ पंचायत जो कि मद्रास कोर्ट के अंदर काम कर रहा हो, क्या वो जज है या नहीं, हम बोलेंगे सर बिल्कुल है। अब हमने यहां पढ़ा अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर टू एक्ट इन अ मद्रास कोर्ट इज अ जज। अब हम जब सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये लिखा है कि अ पंचायत एक्टिंग अंडर अ रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ अ मद्रास कोर्ट इज अ कोर्ट। मतलब अगर मेंबर है किसी पंचायत का और वो काम कर रहा है मद्रास कोर्ट के अंदर, तो वो माना जाएगा जज। और अगर कोई पंचायत बैठी है, पंचायत बोले तो 5 मेंबर्स का ग्रुप, 5 पंचों का ग्रुप, तो वो उस टाइम पे कोर्ट मानी जाएगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। आई थिंक आपको अब ये सेक्शन 19 क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले पे चलते हैं, सेक्शन 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब अगर हम कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो हमारे दिमाग में आती है कि एक कोर्ट है, उसके अंदर हमारे साहब बैठे हैं, और जहां पर वो साहब बैठे हैं वही कोर्ट है, या जहां पर बॉडी ऑफ जजेस बैठी है वही कोर्ट है। यही क्लियर होती है ना आपके दिमाग में बात, तो बस वही बात है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो विधि के द्वारा एम्पावर्ड हो। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। सिंगल होंगे तो जुडिशियली एज अ लोन करेंगे, बॉडी होंगे तो एज अ बॉडी करेंगे। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ अ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, अगर वो अपने काम जुडिशियली दायरे में रह करके काम कर रहे होंगे तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस ही माने जाएंगे। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एक बार एक इलस्ट्रेशन समझेंगे। अब पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई द डिटरमाइंड सूट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई पंचायत है जो कि काम किसके अंडर कर रही है, रेगुलेशन 7 ऑफ मद्रास कोर्ट, और उसके पास पावर है
किसी सूट को डिटरमाइन करने की, किसी सूट को सुनने की, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस ही मानी जाएगी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक पंचायत जिसके पास सूट को डिटरमाइन करने की ताकत है, क्या वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21, पब्लिक सर्वेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको अब हम एक एक करके समझेंगे। इसके अंदर पॉइंट है हमारे 13, 13, 1, 3, 13। तो अब द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर आर आफ्टर फॉलोइंग नेमली। आप जो आने वाले हैं उनके अंडर जो भी आदमी फॉल करेगा वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसमें पहले 1 to 13 थे, 1 to 12 थे, सॉरी 13 अमेंड हुआ है और 1 रिपीट हुआ है, तो 1 को हम नहीं पढ़ेंगे जो रिपीट हुआ है। अब सेकंड से पढ़ते हैं। और बच्चों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेकंड से शुरू हो रहा है, फर्स्ट रिपील्ड है, तो फर्स्ट को हमेशा रिपील्ड ही मानना। सेकंड, एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी डिफेंस सर्विस के अंदर, चाहे वो एयर फोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, उसमें कोई भी कमीशन ऑफिसर वो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, और वो आईपीसी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। थर्ड क्या कहता है, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। मतलब हर एक जज साहब जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ है किसी को डिस्चार्ज करने के लिए या बॉडी ऑफ मेंबर है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। मींस जज साहब भी एक पब्लिक सर्वेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड। फोर्थ क्या कहता है, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर, ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं, लिक्विडेटर हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, जिसकी क्या ड्यूटी होंगी, जिसकी ड्यूटी होगी किसी रिपोर्ट को देना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना, किसी फैक्ट को ऊपर रिपोर्ट देना, किसी को ऑथेंटिकेट करना, या जो भी उस टाइम पे उसकी ड्यूटी होंगी, जैसे कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, और जो भी उसने कोर्ट से ऑर्डर उसके पास आ रखे होंगे उन सबको काम को करना, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्लास कहता है, कोई भी जूरीमैन, कोई भी एसेसर, कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, मतलब जो पंच बैठते हैं, पंचायत बैठती है, उसके अंदर जो मेंबर होते हैं, या कोई भी असेसर हो गया, कोई भी ज्यूरीमैन हो गया, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंडर फॉल करेगा। अब सिक्स के अंदर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, क्या आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल आता है, क्योंकि वो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के पॉइंट नंबर 6 के अंदर दे रखा है। अब पढ़ते हैं, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीशन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी इज ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। सेवन पॉइंट क्या कहता है, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। वो हर एक आदमी जो कि एक ऑफिस होल्ड करता है और वो एम्पावर्ड क्या है, किसी भी आदमी को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। आई थिंक आपको अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 8, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस
ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की ड्यूटी होती है कि ऑफेंसेस को रोकना या उसकी जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आगे प्रोसीड करना। पॉइंट नंबर 9, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेसेस और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पिकुनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिकुनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू प्रिवेंट द इंफ्रेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिकुनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास अथॉरिटी है किसकी, किसी सामान को लेने की, किसी को रिसीव करने की, किसी को एक्सपेंड करने की, किसको, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो उसका वो सर्वे करेगा, उसका असेसमेंट करेगा, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल होगा। 10th पॉइंट कहता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लीव एनी रेंट टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर एसरटेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि ऑथराइज होता है कहीं से भी रेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, आप चाहे वो गांव से लो चाहे वो शहरों से लो। 11th पॉइंट कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन। यहाँ पे हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, जो कि अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है। अब उसके पास इतने काम होते हैं कि वो डाटा इकट्ठा करना है, उसको मेंटेन करना है, उसे उसके बाद वो वोटर लिस्ट बनानी है और इलेक्टोरल वो रोल बनाने हैं, इलेक्शन को वो अच्छे तरीके से, फिर इलेक्शन को फिर वो कंडक्ट भी करवाना है, तो ये उनके सारी ड्यूटीज ये जो परफॉर्म करेंगे तो वो भी पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे, सॉरी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। और पॉइंट 12 कहता है कोई भी ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट से क्या ले रहा हो, फीस ले रहा हो एज एन एन्यूमरेशन रेम्यूनरेशन और कमीशन ले रहा हो तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल हो। इलस्ट्रेशन बी कहते हो, इसका पॉइंट नंबर बी कहता है इन द सर्विस ऑफ और पे अ लोकल अथॉरिटी अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविजनल और स्टेट एक्ट और द गवर्नमेंट कंपनीज, कोई भी अगर ऐसी कोई कॉर्पोरेशन बनी है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंडर आएगी। सिंपल सी बात है। इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदर अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट, हम बोलेंगे सर बिल्कुल है। इसके हम 3 एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। अगर इन सब पॉइंट्स के अंदर कोई आदमी फॉल कर गया तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपॉइंट गवर्नमेंट ने किया है या नहीं। एक्सप्रेशन टू कहती है वेयर एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर्स दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज एक्चुअली पोजिशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वेट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट्स टू टोल द सिचुएशन। अब हम इसका पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज बाई एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट और सुपरविजन ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अंडर एनी लॉ।
यहाँ पे हम बेसिकली यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेक्शन 22, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने कभी टीबीए पढ़ा होगा तो भी हमें कुछ कुछ याद होगा कि उसमें क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता। अगर वो आपको याद है तो ये डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड वॉट? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट वॉट? लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनी थिंग विच इज अटैच टू अर्थ। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। अब सेक्शन 23, रॉन्गफुल गेन पे आते हैं। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, इसमें हमें दो चीज समझनी है। क्या बोला मैंने? सेक्शन 23 के अंदर हमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दो चीज समझनी है। रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच अ पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। मतलब ऐसे गेन जो कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी से अनलॉफुली गेन किया है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं था, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं था। और रॉन्गफुल लॉस, ऐसे अनलॉफुल मीन्स से लॉसेस जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल था लेकिन वो उसे मिले नहीं। रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इज लीगली एंटाइटल। वो लीगली एंटाइटल तो था लेकिन उसे वो मिला नहीं, तो वो उसके लिए रॉन्गफुल लॉस हो गया। लेकिन अगर वो एंटाइटल नहीं होने के बाद उसे मिल गया तो वो रॉन्गफुल गेन हो गया। सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली को समझते हैं। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हाट? When such person acquire wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of the property as well as when such person is wrongfully deprived of property. अगर वो eligible है और उसको नहीं मिला तो वो उसका wrongful loss हो गया। अगर वो eligible नहीं है फिर भी मिल गया तो उसका wrongful gain हो गया। Simple सी बात। अब हम आज के lecture के दो important section पढ़ने जा रहे हैं। पहला है सेक्शन 24 और दूसरा है सेक्शन 25, और ये आज के लेक्चर के लास्ट सेक्शंस होंगे। पहला है सेक्शन 24, डिसऑनेस्टली। हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डैट थिंग डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली में क्या क्या लिखा हुआ है? इस इंटेंशन के साथ, यहाँ पे इंटेंशन कौन सी है कि एक आदमी को तो हमें फायदा देना है और दूसरे आदमी को हमें नुकसान देना है, तो वो डिसऑनेस्टली हो गया। मतलब जहां पर इंटेंशन ये हो कि भैया मेरे इस एक्ट से एक को तो हो जाए फायदा और एक को हो जाए नुकसान, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हो रही है? डिसऑनेस्टली हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 25 की जहां पे लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंटली, तो वहां पर तो भैया सीधी सीधी इंटेंशन ही कौन सी है? डिफ्रॉड करने की, और वो इंटेंशन ही नहीं है। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ व्हाट? ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन किसकी है? डिफ्रॉड करने की, तो वहां पर हम लिख देंगे भैया ये तो सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी इंटेंशन है कैसी कि एक को तो हो जाए फायदा और एक को हो जाए नुकसान, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे क्या कि ये डिसऑनेस्टली है। और यही इन दोनों सेक्शंस का मेन डिफरेंस भी है। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए, पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली, इफ ही डज दैट थिंग इज इंटेंड टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, और ऑप्शन आपके पास आ जाए क्या ये डिसऑनेस्टली है, फ्रॉडुलेंटली है या रॉन्गफुल गेन है, तो आप क्या टिक मारेंगे? फ्रॉडुलेंटली टिक मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इसमें इंटेंशन किसकी है? सिर्फ और सिर्फ डिफ्रॉड की है, और कोई इंटेंशन है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है।
और मैं उम्मीद करता हूँ आप कि आपको सेक्शन 18 से 25 तक समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।